आज का हमारा विषय है जैसा अन्न वैसा मन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि अन्न का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध मुक्ति से है। तो हम कह सकते हैं कि अन्न का संबंध जो है मुक्ति से है। हमारे पांच तरह के जो है कोष कहलाते हैं, जो अन्नमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष और जो दूसरे दो कोष मिला करके और कुल पांच कोष होते हैं। तो आज हम अन्नमय कोष की बात कर रहे हैं। अन्न जो है हमारा कैसा होना चाहिए, सबसे पहले इस पर चिंतन करें। तो अन्न हमारा हित मित और रित होना चाहिए। हित का मतलब यह है कि भोजन हितकर होना चाहिए। हितकर भोजन, मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो हितकर भोजन वह होता है जिसमें 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट, 6% विटामिन्स और 4% मिनरल्स और 60% जो है पानी होना चाहिए। ये भोजन न्यूट्रिशियस कहलाता है। न्यूट्रिशियस भोजन होता है, हमें अच्छी विटालिटी बनाता है, हमारी प्राण ऊर्जा जिसे हमारे मन वचन कहा कि सब प्रवृत्तियां चलती है, उसको प्राप्त करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा भोजन जिसको अन्न कहते हैं, और दूसरा है हमारा पानी और शुद्ध वायु और अग्नि। ये चारों मिलकर के विटालिटी बनाती है, प्राण ऊर्जा बनाती है, और प्राण ऊर्जा से मन वचन काया की हर प्रवृत्ति होती है। तो इसका मतलब विटालिटी को बनाने के अंदर हमारे भोजन का बहुत बड़ा रोल है। हित की बात कही, मित का मतलब भोजन मात्रा में लेना चाहिए। हमारा जो पेट है उस पेट को चार भागों में बांटो कि दो भागों के अंदर सॉलिड भोजन डाला, एक भाग पानी के लिए और एक भाग जो है गैस के लिए खुला रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए, ताकि जो गैस बनती है यानी भोजन जब पचता है और गैस बनती है उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलती है तो हैवी प्रेशर लगाती है और वो हमारे दिमाग तक चली जाती है, और दिमाग तक जाने के बाद के अंदर हम अनप्लीजेंट फील करते हैं और व्यक्ति को आफरा चढ़ जाता है, व्यक्ति लोटपोट होता है, परेशान होता है। इसीलिए हमें भोजन मित्त के अंतर्गत इस तरीके से करना चाहिए। तीसरा जो है ऋत भोजन। ऋत भोजन का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। अगर सर्दी है तो भोजन गर्म करना चाहिए, और अगर गर्मी है तो भोजन ठंडा करना चाहिए। ठंडा का अर्थ यह है कि भोजन गर्म के बाद ठंडा करके लेना चाहिए और बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। और ऋतु के अनुसार हमारी सब्जियां होनी चाहिए, ऋतु के अनुसार जो है हमारे फल फ्रूट्स होने चाहिए जो ताजे आते हैं। तो ये ऋत हो गया। तो हित मित और ऋत, ये तीनों मिला करके हमारा संतुलित भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन कहलाता है, अच्छा भोजन कहलाता है। और वह भोजन जो है ये हमारा तीन तरह का होता है। एक तो सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसिक भोजन, और तीसरा तामसिक भोजन। सात्विक भोजन के अंदर हमारे जितने अन्न हैं, फ्रूट है, सब्जियां हैं, रस है, ये आते हैं, यानी जल्दी पचने वाला भोजन, ताजा भोजन, सात्विक न्यूट्रिशियस भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। और जो राजसिक भोजन करते हैं उनमें चंचलता बढ़ती है। राजसिक भोजन में क्या होता है, गरिष्ठ भोजन ले लिया, तला हुआ ले लिया और चटपटे ले लिया, तो वो क्या चंचलता बढ़ाते हैं, वो राजसिक भोजन को कहलाता है। उसके अंदर नमक अधिक होता है या शुगर अधिक होता है, मसाले अधिक होते हैं, तो वो हमारे विचारों में चंचलता पैदा करते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि अगर राजसिक भोजन है तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है, और मन के चंचल होने से हमारा चित्त है वो विक्षिप्त हो जाता है, और हम इधर उधर जो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच करते रहते हैं, उससे हमारा मन दूषित होता है, हमारी आत्मा दूषित होती है, और हम मुक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। यानी अन्न का संबंध है हमारी मुक्ति से है। तो ये हो गया हमारा राजसिक भोजन। और तीसरा तामसिक भोजन
भोजन वो तो बहुत ही खराब होता है, जैसे कि नॉन वेज भोजन लिया, दूसरे पशुओं के मांस को खाना, उन पशुओं के अंदर जो है जो कोई भी बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी या अन्य अन्य जो जो बड़े बड़े जो आजकल जो वायरस आ रहे हैं, वो वायरस जो है बहुत ज़्यादा इन एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो वो एनिमल्स के जो वायरस है हमारे भोजन के साथ शरीर में आ जाते हैं, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, व्यक्ति कैंसर का मरीज बढ़ जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को पाल देता है। और वास्तव के अंदर मांसाहार जो है वो मनुष्य के लिए नहीं बना है, मांसाहार तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए बना है। आप आंतों का, दांतों का, जीभ का, सबका डिफरेंस देखिए तो वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके दांत बहुत शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, क्योंकि वो मांसाहार के लिए बने होते हैं। और उनकी जो सब मिलाकर कुल आंत होती है वो 4 फुट की होती है और वो ज़्यादा डायमीटर में होती है, क्योंकि सीधा लिया और सीधा निगल दिया। लेकिन हमारा जो हम मुंह से जो भोजन करते हैं और मल द्वार तक जाता है, इस भोजन को कुल है 30 फुट तक ट्रेवल होना पड़ता है।